दोस्तों अपने भीमशंकर भोलेनाथ के दर्शन अपने हो चुके हैं। अब हम निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है शनि शिंगणापुर। और ये देखिए नेटवर्क का, अगर इसमें डंडे दिख रहे हो तो ये देखिए एयरटेल का नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आता है यहाँ पे भीमशंकर भोलेनाथ के वहां पे। और जब से हम त्र्यंबकेश्वर से चले थे उसके बाद से भीमशंकर तक रेयरली दो तीन बार ही नेटवर्क आया है एयरटेल का, उसके बाद में चला गया है, जबकि वोडाफोन और जियो यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसलिए अगर आप, हमारा प्रीपेड है, पोस्टपेड और प्रीपेड से कोई मतलब नहीं है इसमें, मगर तो प्रीपेड भी होगा तब भी आपका इसमें एयरटेल का नंबर नहीं आएगा। तो आप ये चीज जरूर ध्यान रखिए कि आपके पास में एक वोडाफोन या जियो का नंबर होगा तो आपकी कनेक्टिविटी सही रहेगी, अगर सारे एयरटेल के नंबर होंगे तो कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी यहाँ पे। अपना जो रास्ता ये दिखा रहा है तकरीबन 207 किलोमीटर दिखा रहा है, और अपना इसमें भी तकरीबन हाँ इतना ही किलोमीटर दिखा रहा है, और 4.5 घंटे के आसपास का रास्ता दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है ये अपना दिखा रहा है जी 202 किलोमीटर और 4 घंटे के आसपास का ये रास्ता दिखा रहा है। तो चलो आओ शनिदेव का नाम लेके, जय हो भोलेनाथ, जय शनिदेव महाराज, अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। और टाइम अपना 11:30 हो गए, 4 घंटे के हिसाब से हम तकरीबन जो है 3:30 के आसपास वहां पे पहुंच जाएंगे। 3:30 से हो सकता है आधा घंटा पहले भी पहुंच जाए, क्योंकि आधा एक घंटे का इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है जीपीएस के सिस्टम पे। बाकी तो रोड के ऊपर है, ये वाला जो यहाँ का जो रोड है ये काफी अच्छा बना हुआ है। स्टार्टिंग के टाइम पे थोड़े बहुत बीच में पैचेस आए थे जो खराब थे, वरना रोड तो अच्छा बना हुआ है, रोड में कोई दिक्कत नहीं है। और नाइट ड्राइविंग के टाइम पे आपको अगर इस रोड पे डर लगे कि बिल्कुल सुनसान रोड है, कोई कार चलती हुई नहीं दिख रही है, तो इससे डरे ना बिल्कुल भी, कोई यहाँ पे डर का ऐसा कोई माहौल नहीं है। भोलेनाथ के नाम लेके अपना चलते चले जाए, बिल्कुल भी किसी बात का कोई डर नहीं है यहाँ पे। ये देखिए रास्ता तो अच्छा बना हुआ है, ये देखिए इस तरीके से थोड़े बहुत कच्चे पैचेस आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये देखिए ऐसे इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा बन रहा है ये रास्ता, तो एक तरफ कच्चा है एक तरफ बन रहा है। मठ बनने के बाद में बहुत फर्स्ट क्लास हो जाएगा, मतलब अगर आप कुछ महीनों के बाद भी यहाँ पे आना चाहेंगे तो बहुत बढ़िया रोड ये बन चुका होगा पूरा, अभी थोड़ा सा डेवलपिंग स्टेज पे है, पहले भी बना हुआ था बट ये तारकोल वाला रोड डला हुआ था, अब यहाँ पे जो है सीमेंट रोड़ी वाला रोड ये लोग डालने लग रहे हैं, बनाने लग रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे, अपनी कार टोटल चल चुकी है 3118 किलोमीटर, और अब हम शिंगणापुर शनि शिंगणापुर से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं। हाईवे से हम अंदर आ चुके हैं, प्रभु के दर्शन हमें मिल जाए। आज शनिवार का दिन है, ऑटोमेटिकली ही, क्योंकि हम संडे को निकले थे और ऑटोमेटिकली ही ये दिन ऐसा पड़ गया कि शनिवार को हमें शनिदेव महाराज के दर्शन होंगे। तो चलिए आइए फटाफट ये रास्ता कवर करते हैं, 2 किलोमीटर या जितना 2-1 किलोमीटर रह रहा है ये, कवर करके और फिर शनिदेव के दर्शन करके फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों अब हम शनि शिंगणापुर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर लगभग 3000 जनसंख्या के शनि शिंगणापुर गांव में किसी भी घर में दरवाजा नहीं है, कहीं भी कुंडी तथा कड़ी लगाकर ताला नहीं लगाया जाता। इतना ही नहीं, घर में लोग अलमीरा सूटकेस आदि नहीं रखते, ऐसा शनि भगवान के आज्ञा से किया जाता है। लोग घर की मूल्यवान वस्तुएं जैसे कि गहने कपड़े रुपए आदि को थैली तथा डिब्बे या ताक का प्रयोग करते हैं। आए दोस्तों अब शनि शिंगणापुर जी के दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे शनि भगवान की स्वयंभू मूर्ति काले रंग की है, 5 फुट 9 इंच की ऊंची व 1 फुट 6 इंच चौड़ी यह मूर्ति संगमरमर के एक चबूतरे पर धूप में ही विराजमान है। यहाँ शनि देव अष्ट प्रहर धूप हो, आंधी हो, तूफान हो या जाड़ा हो, सभी ऋतुओं में बिना छत्र धारण किए खड़े हैं। राजनेता व प्रभावशाली वर्गों के लोग यहाँ नियमित रूप से एवं साधारण भक्त हजारों की संख्या में देव दर्शनार्थ प्रतिदिन आते हैं।
आइए दोस्तों वीडियो के समापन में शनिदेव का जयकारा लगा दे। जय हो शनिदेव महाराज की।